पहाड़ों में कदमताल के शौकीन देश विदेश के कई सैलानी प्रदेश में बिना पंजीकरण के कठिन व जोखिम भरे मार्ग में ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रैकर के रूट से भटकने के कई मामले सामने आ रहे हैं। यहां पर कई जान भी गंवा चुके हैं। विभाग ने इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए ऐप बनाई है। इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रैकर को रूट की सही जानकारी मिलेगी। पर्यटन विभाग के प्रबंधक निदेशक अमित कश्यप ने बताया कि प्रदेश में ट्रैकिंग के लिए आए सैलानी बिना पंजीकरण के रूट पर चले जाते हैं। रूट की सही जानकारी न होने से कई बार वह मुसीबत में फंस जाते हैं। पर्वतारोहियों की सुविधा के लिए विभाग ने एक ऐप बनाई है जिसमें रूट की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बहुत अहम और महत्वपूर्ण सेगमेंट जो पर्यटन का है हमारे प्रदेश में, वो एडवेंचर टूरिज्म का है। चाहे वो रिवर राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, ट्रैकिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, ये सब जो है इसमें बहुत सारे जो लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अन्य प्रदेशों से और अन्य देशों से भी जो है यहाँ पधार के इसमें हिस्सा लेते हैं। कई बार ये देखा गया था कि जो लोग इसमें हिस्सा लेने यहाँ पर आ रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, वो उनको पूरी जानकारी नहीं होती थी उस रूट के बारे में, और वो जब लापता होते थे उसके बाद जो है बहुत देर बाद हमारे को सूचना प्राप्त होती थी कि इस प्रकार का कोई दल गया था और वो जो है लापता है। उसके बाद जो है उसमें जो रेस्क्यू पार्टीज हैं उनको भेजा जाता था। इसी के एवज में जो एक निर्णय लिया गया कि एक ऐप बनाई जाए। वो ऐप जो है बन के तैयार हो गई है। उसका लिंक जो है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की जो वेबसाइट है उसके ऊपर दिया गया है। इसमें जो है हमारे मुख्य जो ट्रैकिंग रूट्स हैं उनको जो है विभाजित किया गया है। रेड मतलब बहुत डिफ़िकल्ट अगर वो रूट है उसका उल्लेख उसमें किया गया है। उसके बाद जो है ऑरेंज जो मीडियम डिफ़िकल्टी के रूट्स हैं, और ग्रीन जो एक आम नागरिक जो है उसको जो है उसमें कर सकता है। कि लगभग जो है हमारे 83 रूट्स जो हैं ट्रैकिंग रूट्स जो हैं इनका इस वेबसाइट पर उल्लेख किया गया है। इसमें सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उन रूट्स के बारे में जो है उनका पूरा उल्लेख किया गया। एक तो कैटेगरी मैंने आपको बता दी, कैटेगरी ऑफ डिफ़िकल्टी जो है उस रूट की वो बता दिया गया। अमूमन जो है उसको कितने दिन में आप पूरा करेंगे उसके बारे में उसका जिक्र किया गया है। उसमें प्रोमिनेंट स्थान क्या आएंगे उस ट्रैकिंग रूट के दौरान जो है उनका उसमें उल्लेख किया गया है। क्योंकि एक बड़ी डायनेमिक साइट है, इसको जो है अपग्रेड करते रहेंगे हम समय समय पर, ताकि इसमें फोटोग्राफ्स भी डालें। इसमें ग्रिड रेफरेंसेस भी जो है उनको उल्लेख किया गया है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्या रेफरेंस है, उनका भी इसमें उल्लेख किया गया है। जब किसी ट्रैकर ने, और इसको हमने जो है सारे डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उनसे भी निवेदन किया कि जितने भी ट्रैकर्स यहाँ से जा रहे हैं, उसकी हमने पब्लिसिटी भी की है, जितने भी ट्रैकर जा रहे हैं कृपया करके अपने को जो है इस ऐप पे रजिस्टर करें। और जब आप इस पे रजिस्टर करते हैं तो आपको जो है एक तो पूरी जानकारी उस रूट के बारे में मिल जाएगी, दूसरा जब आप इसको रजिस्टर करते हैं और सबमिट करते हैं तो ये जानकारी जिस भी संबंधित ज़िले की है वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है उनके पास जाएगी, वहाँ के जो एसडीएम है स्थानीय उनके पास जाएगी, जो स्थानीय वहाँ के एसएचओ हैं पुलिस के उनके पास ये जानकारी भी जाएगी कि फ़िलहाल ट्रैकिंग रूट जो है इस डेट से जो है अपना ट्रैक जो है आरम्भ कर रहा है। उसमें ये भी उल्लेख किया गया है कि अमूमन उस ट्रैकिंग रूट की अवधि जो 3 दिन है या 4 दिन है, और अगर वो 4 दिन के बाद वो जो ट्रैकिंग पार्टी है उस स्थान पे नहीं पहुंचती तो ऑटोमेटिकली एक पॉपअप जो है एक वार्निंग जो है संबंधित डीसी के कार्यालय में, एसएचओ का संबंधित जो एसडीएम है उनके कार्यालय में जो पहुंचेगी, ताकि इमीडिएट जो है उसमें वो एक्शन करें और रेस्क्यू पार्टीज़ को अगर लॉन्च करना है तो उसको वो लॉन्च करें। तो एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका ये ऐप जो है अभी निभाने वाला है। मेरा आप लोगों के माध्यम से यही रहेगा, जितने भी ट्रैकिंग पार्टीज़ निकल रही हैं कृपया करके जो है अपने को जो है इस पर रजिस्टर करें इस ऐप में, जिसका लिंक जो है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो एचपी का जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपने रजिस्टर करें और उसके उपरांत ही जो है आप प्रस्थान करें अपनी ट्रैकिंग के लिए। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16।